नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। जो लोग मोदी सरकार पर बार बार आरोप लगाते हैं, खुद को इस देश में असुरक्षित महसूस करते हैं, जो लोग देश विरोधी नारेबाजी करते हैं और जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए पहुंच जाते हैं, वो देख लें कि मोदी सरकार देश में कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, किस तरह मोदी राज में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई है और कैसे उन्होंने देश में चल रही कट की कंपनी को तबाह कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वो आंकड़े कहते हैं जो खुद मोदी सरकार की ईमानदारी की कहानी कह रहे हैं। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट जारी हुई है, जिसके हिसाब से भारत में भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है। 180 देशों की सूची में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और भारत 3 पायदान ऊपर चढ़कर 78वें स्थान पर आ गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और रूस में भारत से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सूची में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ईमानदार देश कौन सा है, लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि पहले की सरकारों में किस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही थी, जिसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार को कितने कड़े कदम उठाने पड़े। इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है, हर नीचे स्तर पर भी कोई न कोई आपसे भ्रष्टाचार का पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है, भ्रष्टाचार किए बिना काम होता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं है, क्या देश को इस बीमारी से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। अरे दिमाग लगती है ना, दिमाग तो सबसे जहरीली दवा डालनी पड़ती है। हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के कालखंड में ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया, ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया कि मुझे नोटबंदी जैसी बड़ी तेज दवाई का उपयोग करना पड़ा, ताकि जो गरीबों का लूट के गए हैं वो देश के खजाने में वापिस आए। आपने देखा होगा ये नीचे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म कैसे होगा। मोदी ने ऊपर तो फटाफट सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे पाइपलाइन बंद कर दिए, चोरी करने के सारे रास्तों पर ताले लगाए, लेकिन अभी भी जब नीचे होता है तो क्या करना उसका उपाय भाई। छोटे छोटे लोगों को कोई लूटता है, 5 रुपया 10 रुपया मारता है तो क्या करना। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया है। पहले मनरेगा का पैसा हमारा गरीब आदिवासी मजदूरी करता था, लेकिन पैसे लेते समय वो कहता था तेरा 100 रुपया बनता है, लेकिन 20 रुपया मुझे दोगे तो 100 रुपया निकालूंगा वरना नहीं निकलेगा। वो गरीब आदमी बेचारा कहता ठीक है 20 रुपया तू ले ले, मेरा ऐसी 80 रुपया दे के मेरा आज का दिन निकाल दे। हमने कहा ये सब चोर बाजारी बंद, सीधा उसके बैंक में खाता में पैसा डाल देंगे, ये कट की कंपनी का काम बंद हो गया, भ्रष्टाचार का खेल बंद हो जाएगा। भाइयों हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं। ये सारी चिल्लाहट परेशानी कांग्रेस को इसलिए है कि 50 साल तक जो लूट करने की उनकी आदत बनी थी उसको मैंने रोक लगाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो हर मंच से इसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। पिछले साल लाल किले की प्राचीर से भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। बिचौलिए मलाई खाते रहे और गरीबों तक उनके हक का पैसा भी ना पहुंचे, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाइयो बहनों, गरीब को सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन योजनाएं तो कभी बनती है, लेकिन बिचौलिए कटकी कंपनी उसमें से मलाई खा लेती है। गरीब को गरीब के हक का मिलता नहीं है, खजाने से पैसा जाता है, कागज पे योजनाएं दिखती है, देश लूटता चला जाता है और सरकारें आंखें मूंद करके बैठ नहीं सकती।
और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे व्यवस्था में जो आई विकृतियां हैं, उस विकृतियों को खत्म करके देश के सामान्य मानवीय के मन में विश्वास पैदा करना बहुत आवश्यक है। और यह दायित्व राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हम सबने मिलकर के निभाना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर बीजेपी कार्यकर्ता को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनकी सरकार पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था, उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भ्रष्ट देशों की सूची में वो कौन सा देश है जो भ्रष्टाचार के खात्मे में सबसे ज्यादा सफल रहा। भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में दुनिया के 180 देशों के नाम हैं, जिसमें पहले नंबर पर डेनमार्क है, यानी वहां सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, जबकि भारत 78वें स्थान पर है, पाकिस्तान इस सूची में 117वें नंबर पर है, तो सोमालिया सबसे आखिरी पायदान पर है, यानी सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया कि नहीं किया है, हर नीचे स्तर पर भी कोई न कोई आपसे भ्रष्टाचार का पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है, भ्रष्टाचार किए बिना काम होता नहीं, आपका अनुभव है कि नहीं है, क्या देश को इस बीमारी से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। अरे दिमाग लगती है ना, दिमाग तो सबसे जहरीली दवा डालनी पड़ती है। हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के कालखंड में ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया, ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया कि मुझे नोटबंदी जैसी बड़ी तेज दवाई का उपयोग करना पड़ा, ताकि जो गरीबों का लूट के गए हैं वो देश के खजाने में वापिस आए। आपने देखा होगा ये नीचे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म कैसे होगा। मोदी ने ऊपर तो फटाफट सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे पाइपलाइन बंद कर दिए, चोरी करने के सारे रास्तों पर ताले लगाए, लेकिन अभी भी जब नीचे होता है तो क्या करना उसका उपाय भाई। छोटे छोटे लोगों को कोई लूटता है, 5 रुपया 10 रुपया मारता है तो क्या करना। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया है। पहले मनरेगा का पैसा हमारा गरीब आदिवासी मजदूरी करता था, लेकिन पैसे लेते समय वो कहता था तेरा 100 रुपया बनता है, लेकिन 20 रुपया मुझे दोगे तो 100 रुपया निकालूंगा वरना नहीं निकलेगा। वो गरीब आदमी बेचारा कहता ठीक है 20 रुपया तू ले ले, मेरा ऐसी 80 रुपया दे के मेरा आज का दिन निकाल दे। हमने कहा ये सब चोर बाजारी बंद, सीधा उसके बैंक में खाता में पैसा डाल देंगे, ये कटकी कंपनी का काम बंद हो गया, भ्रष्टाचार का खेल बंद हो जाएगा। भाइयों हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं। ये सारी चिल्लाहट परेशानी कांग्रेस को इसलिए है कि 50 साल तक जो लूट करने की उनकी आदत बनी थी उसको मैंने रोक लगाई है। भाइयों बहनों, गरीब को सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन योजनाएं तो कभी बनती है लेकिन बिचौलिए, कटकी कंपनी उसमें से मलाई खा लेती है, गरीब को गरीब के हक का मिलता नहीं है, खजाने से पैसा जाता है, कागज पे योजनाएं दिखती है, देश लूटता चला जाता है और सरकारें आंखें मूंद करके बैठ नहीं सकती, और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता। और इसलिए भाइयों बहनों,
हमारे व्यवस्था में जो आई विकृतियां हैं, उस विकृतियों को खत्म करके देश के सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा करना बहुत आवश्यक है। और यह दायित्व राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हम सबने मिलकर के निभाना होगा।